नमस्कार भाइयों, मैं हूँ वेद यादव। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल और टेक्निकल फैमिली पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आप लोग के द्वारा ही कमेंट बॉक्स में कई बार जो है बहुत ज़्यादा बार जो है जो सवाल पूछा जाता है वो हम चैनल पे जो है ज़रूर लेकर के आते हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है, क्या हम 4 इंची बोरवेल लगभग इस साइज का होता है, तो 4 इंची बोरवेल पे क्या हम 2 HP, 3 HP या फिर 5 HP की मोटर डाल सकते हैं, ऐसा एक सवाल आया हुआ है। इस वीडियो का जो जानकारी है वो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक चैनल नहीं है, एक फैमिली है, एक परिवार है। इस फैमिली का हिस्सा बन करके आप जब भी मैं कोई वीडियो लेकर के आता हूँ कुछ ना कुछ जो है नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि 4 इंची बोरवेल पे जो है हम कितने HP तक का जो है पंप डाल सकते हैं। भाई, ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एरिया में V3 जो मोटर होते हैं, आपका जो केसिंग है वो तो 4 इंच का है, वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन उसके लिए जो है कम से कम 3 इंची मोटर चाहिए, मतलब जो उसमें 1 इंच जगह छोड़ करके आराम से जो है फिट बैठ जाए उस टाइप का। तो V3 जो मोटर होते हैं वो आसानी से जो है उसमें लगाए जा सकते हैं। और V3 मोटर में अगर आपको 3 HP और 5.5 HP, 5 HP, 6 HP, 7.5 HP भी अगर मिल जाते हैं मोटर आपके एरिया में अवेलेबल होते हैं V3 साइज का, कहने का मतलब ये होता है कि भाई 3 इंच का जो है मोटर का जो साइज होता है, मोटाई वो 3 इंच का होता है, भले लंबाई थोड़ा सा बाकी मोटर की अपेक्षा ज़्यादा हो जाए लेकिन उसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। तो V3 मोटर ही लगेगा। अगर आप V4 मोटर भी उसमें डालना चाहेंगे भाई, तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा उसमें, क्योंकि वो फिट आएगा ही नहीं, और अगर किसी तरह आ भी गया तो वो कहीं ना कहीं फंस जाएगा और आपके लिए जो है परेशानी का जो है कारण बन सकता है। तो कोशिश कीजिए V3 मोटर जितने भी HP के मिल जाएँ, 1 HP से लेकर के आपको 5 HP, 6 HP तक जो है मेरे ख्याल से मिल सकते हैं। ये जो है डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से, अलग अलग एरिया में जो है मोटर की जो उपलब्धता होती है वो अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से होती है। जैसे हमारे एरिया में फेमस है बोर का मोटर, मतलब मान के चलिए V3 से शुरू होकर के V4, V5, V6 ऐसा मोटर जो है लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बोर होते हैं वो 6 इंची से लेकर के 8 इंची होते हैं, तो उसमें कोई भी मोटर फिट आ सकते हैं। और अगर आपके यहाँ 4 इंची ही है तो आप कोशिश करिए V3 मोटर का पता लगाइए और अच्छे से बकायदे जांच परख करके देख करके कि 3 इंच ही जो है मोटर की मोटाई है, उसके बाद ही जो है आप मोटर को परचेस करिए, वरना क्या है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और जब भी आप मोटर खरीदने जाएं तो कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदिए जिसका पीस टू पीस गारंटी हो। जैसे मान के चलिए मोटर वगैरह जल जाते हैं तो उसमें 2-3 दिन का समय लगता है, पीस टू पीस वापस हो जाते हैं मोटर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एरिया में चल रहा है वरुणा का जो मोटर है वो पीस टू पीस वापस हो जाता है। 1-2 कंपनियाँ और हैं, ऊषा वगैरह, तो ये भी कंपनियां जो है पीस टू पीस वापस कर लेती हैं। इनमें जो है किसी कंपनी का जो है प्रमोशन आपका भाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये आपका फैमिली है और हम और आप मिलकर के इस चैनल को एक फैमिली बनाते हैं। कोई और टॉपिक हो जो मुझसे छूट रहा हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और कोशिश करेंगे सवालों के जो जवाब हैं उसको देने के लिए हम एक लाइव सेशन करेंगे अब हर सप्ताह में, हर संडे को। और इसकी जानकारी जल्द ही मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से जो है उपलब्ध कराऊंगा, या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से कराऊंगा, या शॉर्ट्स के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा, और सवालों के जवाब जो है ज़्यादा बेहतर ढंग से जो है हम चर्चा कर पाएंगे आप लोगों के साथ जुड़ करके। लाइव स्ट्रीम जो है ज़रूर करेंगे, या तो इंस्टाग्राम पे करेंगे या फेसबुक पे ही करेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो जा करके फॉलो कर लीजिए, उतना ज़्यादा मैं वहाँ एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं इधर ही बिजी रहता हूँ। तो अगर आप वहाँ चले जाएँगे तो भाई तो आपका आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जहाँ हो वहाँ आपका भाई है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को, जुड़ जाइएगा हमारी फैमिली के साथ और बन जाइएगा हमारी फैमिली का एक हिस्सा। बाकी ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद भाइयों।